नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मिट्टी मनवार में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहे और ब्रेड की एकदम नई रेसिपी, जो कि बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ एक कप पोया लिया है, अब इसे एक बार पानी से धो लेंगे। इसका पानी हमने बाहर निकाल लिया है, अब इसमें एक चौथाई कप पानी डाल देंगे और 5 मिनट तक भिगो कर रख देंगे। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यह 5 ब्रेड लिए हैं। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ब्रेड के टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे मिक्सी की जार में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। इस तरीके से मैंने ब्रेड को पीस लिया है, अब एक बर्तन में बाहर निकाल देंगे। अब हम पोहे को चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी रह गया है, इसको बाहर निकाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से पानी को पूरा बाहर निकाल लिया है। अब हम पोहे को इस तरीके से बारीक कर लेंगे। ये अच्छे से पिस गए हैं। अब इसमें बारीक की हुई ब्रेड डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब एक छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा डाल देंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच नारियल का बूरा डाल देंगे। अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें 3 चम्मच दही डाल देंगे। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके से हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सर लेके गोल गोल लोई बना लेंगे। हम हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिससे ये चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से पोया और ब्रेड का वड़ा तैयार हो गया है। इस तरीके से हम सभी वड़े तैयार कर लेंगे। हमने सभी वड़े तैयार कर लिए हैं। हमारा नाश्ता कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब फ्राई करने के लिए इसमें नाश्ते को डाल देंगे। इनको पहले हम एक तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब इनको पलट देंगे। ये एकदम सुनहरे कलर के हो गए हैं। अब इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गए हैं। हमें इन्हें धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। इनको फ्राई होते हुए 7-8 मिनट लग जाएंगे। देखिए कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
अब इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सभी को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा पोया और ब्रेड का नाश्ता बनकर तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है और ये अंदर से मैं तोड़ के बता रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तो एक बार आप ही इसी तरीके से ये नई रेसिपी बनाइए और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।